साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मोदी के 9 सालों की उपलब्धियां गिनाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं कहा कि यूपी के लगभग सभी घरों में आज शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 2,37,000 को लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार के 9 साल में सड़कों की दुर्दशा को दूर किया गया और कहा कि लोगों को आवासीय घर दिए गए। संभल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहलवानों के समर्थन में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। जंतर मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन के बाद महिलाओं की महापंचायत के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद देश भर में कई संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता ने अपने कार्यकर्ताओं सहित जिलाधिकारी मनीष बंसल संभल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसा है, संयुक्त मोर्चा के आम हल्का आज हमारे पूरे देश में मेरी भूषण श्रेणी की गिरफ्तारी, महिला पहलवानों को न्याय देने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि भाई अगर देश में कानून है, अगर आम आदमी के पास को एक लग जाती है तो पुलिस कहती है कि हमारी मजबूरी है, पास को लगी, जेल जाना पड़ेगा। आज ब्रज दूसरा सड़क पर पास को एक लगी, 7 लड़कियों ने यौन दुराचार के आरोप लगाए, उनको पुलिस कह रही है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो या तो ये मोदी जी अपने बीजेपी के लोगों को अलग और आम आदमी को अलग कानून बना दें, क्योंकि बीजेपी वाले कोई भी कांड करें, कोई भी दुराचार करें, कोई कत्ल करें, उनका कार्रवाई ना हो, या फिर गिरफ्तार करें। आगरा में प्रशासन और पुलिस की टीम ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही की है। इस दौरान मौके से अवैध खनन से भरे डंपरों को सीज किया गया, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पुलिस की कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं कई खनन माफिया मशीनों को लेकर फरार हो गए। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के अरावली की पहाड़ियों का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं खेरागढ़ और का बॉर्डर जो राजस्थान से लगता है और यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो कुछ पहाड़ियाँ हमारे क्षेत्र में आती हैं, तो मुझे सूचना मिली थी जो क्षेत्र हमारे में पहाड़ियाँ हमारे में आती हैं वहाँ खनन चल रहा है। इस सूचना पर मैंने मजिस्ट्रेट के साथ वहाँ रेड किया, 2 थाना फोर्स के साथ, और वहाँ पर हमें मौके से 2 डंपर खनन करते हुए पकड़े और वहाँ कई मशीनें भी थी, लेकिन वो हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो राजस्थान की तरफ भाग चुकी थी। बांदा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज महिला पहलवानों के समर्थन में सरकार से कार्यवाही की मांग को लेकर एक जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है और चेतावनी दी कि 5 दिन बाद सभी जगह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान मोर्चा का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, महिला पहलवान देश का गौरव है। गर्मी से राहत और मौज मस्ती के लिए लिहाज से कुछ दोस्त गंगा नहर में नहा रहे थे। इसी बीच पानी के तेज बहाव में अभिषेक नाम का शख्स डूब गया। निजी गोताखोर व मेरठ से आई बटालियन के गोताखोर नहर में युवक को तलाश रहे, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। अनुज यादव, प्लाटून कमांडर, बाढ़ आता है 44 बटालियन मेरठ। ये लड़का कोई डूबा था, इसको रेस्क्यू करने आए हैं। ये कल से करी जा रही तलाश की। हाँ, थोड़ा अभी टाइम लगेगा उसको, जैसे जैसे बॉडी अपना फूलेगी ऊपर आएगी थोड़ा। अभी अब जा रही है कोशिश, जा रही जितनी जल्दी हो जाए। हमको हो गए तकरीबन 10-12 घंटे तो कल की थी और आवाज़ स्टार्ट की है। कल रात को अंधेरा हो गया तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरे में ठीक से हो नहीं पा रहे थे जी।
गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर किसानों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में किसान आज डीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी और पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति दिए जाने के साथ ही महिला पहलवानों से क्रूरता और बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। किसानों ने पहलवानों के धरने को खत्म करने की कार्यवाही को गलत बताया और डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति के लिए सौंपा गया है। किन मांगों को लेकर आप आज ज्ञापन दे रहे हैं? आज जो हमारी अहम समस्या है, संयुक्त मोर्चे का आह्वान हुआ है सारे देश के जिला मुख्यालय पर, ज्ञापन भेजा जा रहा है राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से, कि जो है सरकार चेत जाए, सरकार जाग जाए, इसको ब्रजभूषण को जेल में डाले और इसके बाद में जांच करती रहे। रेलवे स्टेशन बहुत जल्द अब नए रंग रूप में नजर आएगा। रेलवे यात्रियों की वर्षों से चली आ रही मांग भी अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। रेलवे बोर्ड की अमृत स्टेशन योजना हरदोई के शामिल होने के बाद मार्च में मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद ने हरदोई रेलवे स्टेशन का रेल अधिकारियों व इंजीनियरों की टीम के साथ निरीक्षण किया था, जिसके बाद अब एक बार हरदोई रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद करेगा। जी हाँ, ठीक ही, एक ऐसा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईटी चौकी के अंतर्गत देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक छात्र अपने घर जा रहा था, उसी वक्त कुछ पुलिसकर्मी शराब पी रहे थे और छात्र वहां खड़ा था और उसके ऊपर वाली जेब में फोन रखा था। चौकी इंचार्ज विपिन ओझा व दरोगा ने सोचा कि वह उनका वीडियो बना रहा है, जिसके चलते उन्होंने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें कि छात्र को चोटें आई। वहीं आज पीड़ित ने कमिश्नर के आला अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद आला अधिकारियों ने संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अभय का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। लॉ स्टूडेंट की पिटाई हुई, क्या मामला और क्या कर रहे हैं? थाना कल्याणपुर क्षेत्र के आईआईटी चौकी से एक पीड़ित आज कार्यालय में आए थे। उनका यह कहना है कि चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसीपी कल्याणपुर को निर्देशित किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तत्काल मेडिकल कराने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। महंगे शौक को पूरा करने के लिए लोग आजकल कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी शौक को पूरा करने में फिर चाहे उनको जेल ही जाना पड़ जाए तो वो भी पीछे नहीं हटते और अपने इन महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देने लगते हैं। बता दें कि एक ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहाँ चोरों ने अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। चोर बाइक की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये पूरा मामला गोमती नगर पुलिस और सर्विस लांस का संयुक्त टीम को मिली है। थाना गोमती नगर की टीम के द्वारा और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम के द्वारा कुछ वाहन चोरों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 बालिक और 2 नाबालिग लोग अभी हैं। किस तरीके का अपराध ये लोग करते थे, कहां-कहां संलिप्त थे? ये अधिकांश वाहन चोरी करते थे और उन्हीं वाहनों का प्रयोग करके बाकी स्नेचिंग, जैसे मोबाइल और चैन स्नेचिंग वगैरह के अपराध कारित करते थे। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी ओएम कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से जिहादी ने हत्या कर दी। हत्या के मामले में पूरनपुर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लव जिहाद के मामले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भारी रोष जताया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की गई है, जिससे कि आए दिन होने वाली घटनाओं पर अंकुश लग सके। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह कोई दिल्ली की पहली घटना नहीं हुई, इससे पहले भी कई शर्मनाक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, इसलिए लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाया जाए। आज किस संबंध में किसको ज्ञापन दिया? आज अभी 3 दिन पूर्व जो दिल्ली के अंदर हमारी 16 वर्षीय अबोध बच्ची जिसका नाम साक्षी था, उसको साहिल नाम के एक जिहादी ने सीसीटीवी कैमरे के सामने दिल्ली के अंदर खुलेआम चाकुओं से गोदकर पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। ये लव जिहाद की घटनाएं संपूर्ण देश के अंदर बाढ़ सी आई हुई हैं। इसके पहले ही श्रद्धा नाम की हमारी बहन के 35 टुकड़े करके दिल्ली में फेंके गए, हमारी
निकिता तोमर को फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से कैमरे के सामने गोली मारी गई, अलीगढ़ के टप्पल में ट्विंकल शर्मा का बलात्कार हुआ, हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी नाम के एक डॉक्टर को जलाकर मार दिया गया, संपूर्ण देश के अंदर जिहादी खुलेआम निर्भीक होकर के इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान में भारत के अंदर जो कानून है उससे इन मुस्लिम जिहादियों को कोई भय नहीं है। इसीलिए आए दिन प्रतिदिन हमारी बहन बेटियों को चारा बनाया जा रहा है, हाथ में कलावा बांध कर, गले में रुद्राक्ष की माला और तिलक धारण करके गुमराह किया जाता है, प्यार के जाल में फंसाया जाता है। उसके बाद सत्यता सामने आने पर जब वो मना करती हैं तो उनकी खुलेआम बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। प्रयागराज में सराय ममरेश थाना क्षेत्र के जगई बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर गोली चली। बता दें कि फाइनेंस का कार्य करने वाले युवक को रोककर मारपीट के बाद गोली मार दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, वहीं चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखकर प्रयागराज रेफर कर दिया। जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। संभल में केंद्रीय मंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्री संभल जिले में पहुंचे थे। मंत्री ने केंद्र सरकार के 9 साल में कार्यों को बताया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सवाल पर मंत्री ने हमला किया। मंत्री ने कहा कि पहले दंगे की खबर प्रेस के माध्यम से मिलती थी, लेकिन अब दंगे कम, हर तरफ शांति ही शांति है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।